भी बना हुआ था को, वो सैमसंग प्ले करते हैं और घर राजा परदेसी। अब मेरा उन्होंने कभी बेचारा था अगर वो म्यूजिक कोई बनाता नहीं तो सब लोग क्या बजाते, मतलब रोजगार छिन जाता इनका। So hey guys, what's up, baby? It's your boy, and now you're back again with a new video, baby. As you have seen in the last video, हमने उम्मेद भवन देखा था, और उम्मेद भवन से सीधा हम लोग आए हैं मंडोर गार्डन, हिंदी में कहते हैं मंडोर उद्यान। तो चलो चलते हैं एंड इसको देखते हैं। तो पार्क में घुसते अपन देखते हैं वो वीणा वादक बजाने वाले, व्हाटएवर उसको जो बुलाते हैं वो। और इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि हमेशा कोई भी वीणा वादक हो वो सेम सॉन्ग प्ले करते हैं और घर राजा परदेसी। अब मेरा उन्होंने कभी बेचारा था अगर वो म्यूजिक कोई बनाता नहीं तो सब लोग क्या बजाते, मतलब रोजगार छिन जाता इनका। वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता था और पूरा मन था वहाँ जाने का पूरा, लेकिन ऊपर से लॉक्ड है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है महाराजा अजीत सिंह जी की छतरी। अपने यहाँ छतरी बोलते हैं मेवाड़ में, अपने यहाँ मेवाड़ में इनको छतरिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ मारवाड़ में इनको देवल बोलते हैं। और इनके अंदर जो सारी मूर्तियाँ बना रखी है वो सारी तरह थोड़ी बहुत खंडित हैं, और शायद इनके अंदर शिवलिंग नहीं रखते अंदर। अपने मेवाड़ में सभी समाजों के ऊपर शिवलिंग या कुछ ना कुछ जरूर रख रखा है, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ रखा अंदर से पूरा। या कुछ हो तो भी क्या पता चोरी हो गया, आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं मुझे। तो ये है अजीत सिंह जी की, और इसे यहाँ थोड़ी बहुत छतरी और जैसा कि आपने जस्ट पहले देखा होगा, और यहाँ पे कबूतर बहुत उड़ रहे हैं, तो ये कबूतर का अड्डा बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलो पार्क में आगे चलते हैं एंड जो भी बचा हुआ है वो देख लेते हैं। जितना छतरियों को मेंटेन किया उतना इनको मेंटेन कर लेते थे, क्या क्या हो गया। Thank you.
ओके सो पीछे आप जो छतरी देख रहे हैं ये है महाराणा अजीत सिंह जी की, जो उनके पुत्र अभय सिंह जी ने बनवाई थी। जैसे आप लोगों ने देखा था कब और कैसे बनाई थी वो सब वगैरह वगैरह, इसके अंदर किसकी किसकी मूर्तियाँ हैं वो सारा उसमें मेंशन था जो आपने पीछे देखा था बोर्ड उस पर। और अभी लोग जा रहे हैं आगे आगे, यहाँ पर एक छोटा सा तालाब देखते हैं और फिलहाल आगे जाते हैं। आगे ऊपर एक परकोटा है, वहाँ से कैसा क्या व्यू आता है तो वो जाके आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो यार थोड़े थोड़े कमल खिल तो रहे हैं, कुछ लाइटिंग भी लगा रखी है, प्रोबेबली रात को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। ये इस रेलिंग को ये कमल इतने आकर्षित कर रहे थे कि रेलिंग भी पानी में जा मिली। वाह क्या मेंटेनेंस, अच्छे से प्लानिंग करके बनाया गया इसको लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जीरो कर दिया है। मंदोर मारवाड़ की पूर्व राजधानी भी थी और कुछ जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर ऋषि मांडवी का आश्रम था, जिसके आधार पर इस जगह का नाम मंदोर पड़ा। और एक दूसरी जनश्रुति के अनुसार रावण की शादी भी यहीं पर हुई थी मंदोदरी से, उस कारण इसका नाम भी मंदोर पड़ा है। राव जोधा ने इस दुर्ग को असुरक्षित मानकर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक नया शहर बसाया अपने नाम से, जिसे हमारे जोधपुर नाम से जानते हैं। सो यार घूमते घूमते मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, ये जो आपको भी नहीं पता होगा फॉर श्योर और मुझे भी नहीं पता था आज से पहले, ये जो मंदोर गार्डन इसको पहले मंदव्यूर नाम से जाना जाता था और ये यहाँ के जो राव चुंडा थे उनको मैरिज गिफ्ट में मिला था, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस पर दिल्ली के सुल्तानों का हक भी रहा था और मेवाड़ के महाराणा कुंभा का भी इसमें हक रहा था, उन्होंने भी इसको जीता हुआ था। तो बहुत भाई प्राउड फील हो रहा मेवाड़ी। ये जो आपको सामने देवी देवताओं और अन्य लोक देवताओं की जो तस्वीरें दिख रही है, इनकी खासियत ये है कि इनको एक ही चट्टान पर उखेरा गया है, इसे होलो फिरोज भी कहा जाता है। फिर से काउंट करके दिखाओ ना कितनी है, मतलब कितनी है काउंट करो ना। कितनी सही आदत होगा। थैंक यू। आपको देख रहा हूँ ये फोर्ट की दीवार, यहाँ पर तो फोटो खींच रहे हैं लेकिन जाने का रास्ता बहुत लंबा है। तो मैं इस म्यूजियम में आपने म्यूजियम जैसी चीज़ें देखी आधी ज़्यादा फेक थी, इनके पास दिखाने कुछ है ही नहीं, तो हर कुछ डाल दिया, मतलब लकड़ी के पक्षियों के फोटो डाल रखे और नाम बता रखा है, भाई तीसरी क्लास के बच्चे को भी आता है।
कैसा ये घेर के जैसे लग रहा है। घेर लोगों ने आप लोगों ने नहीं देखी और नेडा की फेमस घेर, तो मेरे ब्लॉग पे पुराने वीडियोस होंगे मेरे, जाके चेकआउट कर लेना। सो इसी के साथ अपन ने जोधपुर के दो म्यूजियम देख लिए। एक पहला अपन देखा था उम्मेद भवन का और एक ये, और दोनों म्यूजियम देखने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि इनके पास देखने सही में कुछ हिस्टोरिकल नहीं है, बस एक दो चीज़ें बड़ी है यहाँ पे, वो भी अंदर खुदाई के अंदर निकली होगी वो है, और आधी इन्होंने मर्जी से ही बना दी, वो साफ देख के पता पड़ रहा है कि वो कोई सी पुरानी नहीं है। मेवाड़ी में कहते पट्टा। हेलो, अच्छा हुआ ये सब म्यूजियम में दिख गया, वरना मेरा ये मानव जीवन तो व्यर्थ हो जाता। नकली है भाई, नकली। था पूरा मंदोर गार्डन और इसका छोटा सा बकवास था बड़ा सा म्यूजियम, वोटे और जो कह लो म्यूजियम अच्छा नहीं था। मंदोर गार्डन पुराना है तो अच्छा लग रहा था दिखने में, बस वो हो गया है कंप्लीट, बस यही था आज कंप्लीट। वापस होटल जाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। एंड हाँ, ये हो गया ब्लॉग नंबर 4 एंड कल से शुरू होगा ब्लॉग नंबर 5, और कल हम लोग जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। सो नेक्स्ट ब्लॉग इज मेहरानगढ़।